आइए हम आपको झारखंड के चास नगर निगम का आज हाल दिखाते हैं। चास में पानी का संकट गंभीर है। यहाँ के लोगों के लिए पानी अभी भी सपना है। लोग पानी के लिए दर दर भटकते हैं, तब जाकर उनको पानी नसीब हो पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चास नगर निगम ने 2017 में पूरे चास इलाके में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने का टेंडर भी दिया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब पानी के लिए तरप तो लोगों को राहत दिलाने की बात जब चास नगर निगम से की जाती है, तो चास नगर निगम कहता है कि 2022 तक वह पानी की सुविधा दे पाएगा, यानी इतने दिनों तक लोगों को प्यासे ही रहना होगा। चास नगर निगम में रहने वाले लोगों के लिए जल संकट एक बड़ी समस्या के रूप में है। नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 के पार्षद बताते हैं कि यहाँ पानी की ये स्थिति है कि ना तो एक भी पाइपलाइन है, ना ही चापाकल ठीक है, ना ही लोगों के लिए पानी नगर निगम के द्वारा आपूर्ति की जाती है। हाल ये है कि लोग यहाँ परेशान हैं। वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद हम हैं। अब वर्ष 2017 से हमारे यहाँ बड़ा नाला का निर्माण हुआ है, एक 6 लाख का लागत से। आज तक नाला पूर्ण नहीं हुआ है। बार बार लिखित देने के बाद भी नाला पूर्ण नहीं हो रहा है। पानी को लेकर चास में किल्लत है, क्या कहेंगे? देख लो, पानी के लिए तो बहुत ही किल्लत है। टैंकर मिलता नहीं है यहाँ। खुदा देखे, पाइपलाइन का काम बोले कि अगले माह से शुरू होगा। वार्ड की जनता परेशान है। वार्ड की जनता बहुत परेशान है पानी के लिए। पानी का बहुत ही दिक्कत है। निगम में विकास कार्य में जो मूल पानी की समस्या सब प्रथम है कि जो लोग आज 20 वर्षों से भी थे, मतलब पानी के लिए तरस रहे थे। निगम बनने के बाद जो प्रोजेक्ट पुराना था, पुराने जमाने से चल रहा था, उसको चालू किया गया 2015 में। वो जो कि चास की आबादी का 30% आबादी को ही पानी मिल पाता है। फिर उसको देखते हुए नया पाइपलाइन का 150 करोड़ का पाइपलाइन का जो अभी जिसको के द्वारा किया जा रहा है, वो कार्य किया जा रहा है। 1 से 1.5 साल हार्डली 2022 तक ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। तो चास की हर जनता का जो पानी की समस्या है, 2022 तक उम्मीद है कि इसका निदान हो जाएगा। जिस दिन ये कंपनी पानी पूरा चालू कर देता, चास में पानी की कमी नहीं होने जा रही है। जो पुराना पाइपलाइन है जो हमारा अभी चल रहा 2015 में चालू किया गया था, उस पाइपलाइन से मतलब कुछ तो हम लोग सहूलियत दे पा रहे हैं। बाकी जहाँ पर पाइपलाइन भी नहीं है, तो वहाँ अगर दिक्कत है तो गर्मी के दिनों में टैंकर से दिया जाता है, क्योंकि इस बार पानी हर महीने पड़ा, उतना समस्या नहीं आ पाई पानी की। लेकिन अगले साल तक हम लोग प्रयास करेंगे जो कंपनी चल रहा है इसका जल्द से जल्द काम चालू हो जाए, कि पानी बिछ जाए सभी जगह। बोकारो से खुलासा के लिए ब्रजभूषण द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट।